हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिल्प सिंह ट्यूटोरियल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DIY कंसीलर हम घर पर कैसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इजली आप घर पर बना सकती हैं। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है या फिर था और ख़त्म हो गए हैं तो आप कैसे इजीली बना सकती हैं। इसके लिए आपको दो प्रोडक्ट चाहिए। फर्स्ट है आपको चाहिए फाउंडेशन, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे फिटमी का ले रही हूँ। सेकेंड आपको चाहिए लूज़ पाउडर। ये दोनों के हेल्प से हम बनाएंगे कंसीलर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। ये छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छोटा सा सपोर्ट मिलता है तो हमें लगता है कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूँ। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए फाउंडेशन और लूज़ पाउडर। चलिए इसे बनाते हैं। मैं 8 पंप लूँगी फाउंडेशन और इसमें ऐड करूँगी लूज़ पाउडर। तो लूज़ पाउडर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसका कलर जो है वो लाइट है। देखिए जो कंसीलर होते वो दो टोन में होते, एक डार्क एक लाइट। तो मैं यहाँ पे लाइट कलर का बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूँगी लूज़ पाउडर और इसे प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करूँगी, जब तक एक फ़ाइन सा आपका कंसिस्टेंसी में इसका बन जाना चाहिए कंसीलर, एकदम फाइन, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बनाऊंगी अच्छे से मिक्स करूंगी इसको प्रॉपरली, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए इस तरह के ये बन गया। अभी से मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी इसका कवरेज क्या है। बहुत ही अच्छा है, इसका फुल कवरेज है, मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। अब मैं इसे क्या करूंगी, फिंगर से हल्का हल्के ब्लेंड करूँगी। देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और ये इसका कवरेज भी आप देख रहे हो। अब मैं इसे अंडर आइज एरिया में, जहाँ भी पिगमेंटेड एरिया है आप वहाँ पे लगा सकती है। मेरे डार्क सर्कल भी नहीं, बहुत लाइट है। माउथ के एरिया में थोड़े से पिगमेंटेशन है, जहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाऊंगी इसका कवरेज कैसा है। तो मैं अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ। अप्लाई करने के बाद देन अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी प्रॉपरली, अच्छे से ब्लेंड करना है आपको लाइटली। आप देख सकती हैं इसका कवरेज कितना अच्छा है। फिर मैं क्या करूँगी, आई लीड पे लगाऊंगी इसका कवरेज चेक करने के लिए, इसका कवरेज कैसा है। तो आई लीड पे लगाऊंगी प्रॉपरली, अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी दोनों आई लीड पे, मैं लगाऊंगी प्रॉपरली, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो दोनों आईज़ पे मैंने लगाया, इसका कवरेज बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अगर आपको ये हैक अच्छा लगता है तो आप ये हैक को फॉलो कर सकती हैं और आप भी बना सकती हैं DIY कंसीलर। अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब क्या करूँगी, मैं अच्छे से बेस भी करके दिखाऊँगी कि इसका, देखिए जैसे कि ये थोड़ा हल्का लाइट में होता है तो मेकअप करने के बाद ये फेस वाइट ना लगे, ऐसा भी होता है। तो देखिए मैं इसे इसके बाद क्या करूँगी, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लूँगी, उसके बाद अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद अच्छे से मैं प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी डैप डैप करते हुए अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, सेटिंग स्प्रे फेस पे स्प्रे की, उसके बाद स्पंज से ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर थोड़ा सा लूँगी लूज़ पाउडर और बेस को अच्छी तरीके से सेट करूँगी डैप डैप करते हुए। और आप देख सकती हैं बेस कितना फ्लॉलेस, कितना अच्छा बना है, कहीं भी वाइटनेस आपको, कहीं भी पिगमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है। इसका कवरेज बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, हेल्पफुल लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।